हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं कबीर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस लाइफ। इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और मेरे साथ और मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी जो वीडियो बना रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो को पूरा सुनना है। जो भी रिटेलर काम करते थे पेनियरबा में या फिर काम करते हैं उसे पूरा सुनना है। और इस वीडियो को सुनने के बाद आशा करते हैं कि आप शेयर भी करेंगे। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़, जो भी रिटेलर पेनियरबा में काम करते थे या करते हैं और उनका पैसा 5 तारीख का, 4 तारीख का, उससे पहले का पैसा फंसा हुआ है, मूव टू बैंक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कृपया करके बता दीजिएगा। क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले आनंद बात किया फ़ोन पर, आनंद पेनियरबाई का एमडी और सीईओ है, मतलब मालिक है, और उनसे बात करके थोड़ा सा मन में शांत हुआ। क्योंकि आपके साथ साथ मेरा खुद का पैसा फंसा हुआ है, 1 लाख रुपये, तो मैं भी बहुत टेंशन और चिंतित हूँ। और आनंद बजाज सर ने जो बताया वो शनिवार को क्लियर हो सकता है, जिनका भी पैसा फंसा हुआ है। क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम है, अब कब तक सही होता है और कब तक मूव टू बैंक होता है, ऊपर वाले के पास दुआ करते हैं। क्योंकि मेरे जैसा बहुत रिटेलर पेनियरबाई में काम कर रहा था, क्योंकि पेनियरबाई का रिटेलर बेस सबसे ज़्यादा है, रिटेलर ज़्यादा है और पेनियरबाई को विश्वास भी ज़्यादा करते थे। हमने ये देखा है मार्केट पर, क्योंकि हम जब दूसरे कंपनी का आईडी बेचने जाते थे तो लोग बोलते थे कि नहीं, मेरे पास अच्छा एक कंपनी का आईडी है। और जो आनंद बजाज जी ने बताया, आनंद कुमार बजाज जी ने, जो पहले तो येस बैंक के साथ चल रहा था, अब और 5 बैंक के साथ, मतलब 6 बैंक के साथ अब जुड़ गया है पेनियर बाई, और पहले से अच्छा सर्विस देने का प्रयास करेंगे। और शायद ऐसे भी रिटेलर हैं जिसका पैसा ट्रेड बैलेंस में फंसा हुआ है, वही उनका उनका उतना ही जमा पूंजी है, वो उस पैसे से ही मतलब बिजनेस कर रहा था, लेकिन वो अभी ट्रेड बैलेंस में फंसा हुआ है। तो आशा करते हैं चिंता करने की कोई बात, सैटरडे के बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो पहले आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, इस ऑडियो जो हम सुनाने वाले हैं अभी, उस ऑडियो को आपके पास जितने भी परिचय रिटेलर हैं, काम करते थे हैं, जिनके पास जिनका पैसा अभी पेनियरबाई में फंसा हुआ है, शेयर करें, या फिर ना शेयर करने से, अगर ना भी शेयर करें तो थोड़ा आप जानकारी उनको दे दें। तो सुनाते हैं क्या हमारे साथ उनका बात हुआ अभी। हेलो सर। हाँ मोहम्मद हुमायूं कबीर साहब। हाँ सर, मोहम्मद हुमायूं कबीर बोल रहे हैं, बंगाल से बोल रहे हैं सर। हाँ जी हाँ, नमस्कार, मैं आनंद बजाज बोल रहा हूँ। हाँ जी, हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में और आप काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, आपको जैसा कि पता है 5 तारीख के बाद के सारे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली चल रहे हैं। अच्छा। आपको मैंने ये भी समझाया कि जो हमारे नए बैंकों के साथ में आप रेमिटेंस करते हैं या मूव टू बैंक करते हैं, हाँ जी, उस समय उनसे जब हम लोग रिक्वेरी फायर करते हैं, जब कॉल करते हैं चेक करने वाला, हाँ जी, उसका जवाब आने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, हाँ जी, इसलिए हम लोग ऐप में आपको इन प्रोग्रेस दिखा पा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारे रिटेलर भाइयों के पास इंटरनेट बैंकिंग कई लोगों के पास नहीं है, उन्हें ये पता नहीं चल पाता है कि पैसा उनके अकाउंट में आ गया है। तो आप उनसे जरूर गुजारिश करें कि जब ट्रांजेक्शन करें तो 10-15 मिनट बाद आसानी से एक बार बैंक में चेक कर लें। और आपने भी देखा, आपने भी बोला कि आपका पहले मूव टू बैंक थोड़ा डिले था, पर बाद में बैंक में पैसा आया, राइट? बिल्कुल।
मैंने आपको एक दूसरे ग्रुप का भी बताया, एक सज्जन है उन्होंने मैसेज भेजा वॉइस रिकॉर्डिंग करके कि साहब पैसा आने में देर हो रही है, थोड़ी देर बाद उन्होंने भी मैसेज भेजा कि साहब क्षमा प्रार्थी पैसा आ गया है। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप सबको बताएं क्योंकि ये जो रिक्वेरी हो रहा है लोगों को पता नहीं चल रहा, वो इसीलिए इन प्रोग्रेस हम अपने ऐप में दिखा रहे हैं, पहली बात। दूसरा आपका एक सवाल जरूर इस पे होगा 5 तारीख के पहले ट्रांजेक्शन के बारे में। जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम लोग रोज रिजर्व बैंक में और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सबके साथ टच में है। हाँ जी। और जैसा आप पेपर में भी पढ़ रहे हैं मोरेटोरियम यस बैंक का जल्दी हट जाएगा। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपेरेंटली उसमें काफी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो वो सब स्टेबलाइज हो जाएगा। हम लोग का मानना है जैसा हम लोग सुन भी रहे हैं पेपर में सैटरडे या मंडे तक ये पैसा रिलीज हो जाना चाहिए, जिससे आप लोगों को पुराना जो मूव टू बैंक का बैलेंस थोड़ा बचा हुआ है कुछ लोगों का वो मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात ये सबसे है ज्यादा सर कि आप ये देखेंगे ये सारा पैसा जो है हमारे बंगाल और बिहार में आधार इनेबल पेमेंट सर्विस का पैसा होता है, राइट? हाँ जी। और ये पैसा भारत सरकार के उपक्रम के अंतर्गत आप लोगों को मदद देने के लिए रिडम्पशन दिया जाता है। हाँ जी। आप लोगों ने तो अपने कस्टमर्स को पैसा अपने पॉकेट से दे दिया। हाँ जी बिल्कुल। और अब भारत सरकार अपने बैंकों के माध्यम से सेटलमेंट करवा के आप तक ये पैसा वापस पहुंचाती है, तो ये पैसा कहीं नहीं गया हुआ है। आप इसमें एकदम बेसिक रह के अपने भाइयों को मित्रों को सबको बताएं, कस्टमर्स को बिल्कुल। और आप तो पेनियरबाय से काफी समय से जुड़े हुए भी हैं। हाँ सर, बिल्कुल। इनपुट देते प्लेटफॉर्म को आपने इतना ग्रो भी किया है बिल्कुल, और आप बताते रहे हमें, हमारी ऐसी ही कमियां भी सुधारते रहेंगे। और आप ही ने बिल्कुल आज देखिए आप दुनिया के सबसे बड़े एजेंट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है आज। हाँ जी बिल्कुल, वर्ल्ड के लार्जेस्ट एजेंट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है आप, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह बने रहिए, डटे रहिए और अपने लोग अपने मित्रों की सेवा करते रहेंगे, आप चिंता ना करें। और आपको जिससे शेयर करना हो बेफिक्र बेझिझक आपकी मेरी रिकॉर्डिंग अगर करवाएं आप जरूर किसी को शेयर करें, अपने मित्रों को सांत्वना दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज आपके पास 6 बैंक के सामने टेबल पे जो कि अलग अलग तरह से अलग अलग सर्विसेज आप लोगों के माध्यम से दे रहे हैं, आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, हम लोगों सबको इससे फक्र है आप लोगों के, राइट? हाँ सर, मेरा सर एक ही रिक्वेस्ट होगा सर आपके पास सर। हाँ बोलिए हमारी सर। आपका पेनियरबाय कंपनी नंबर 1 था, है जी, और रहेगा। अरे वाह इंशाल्लाह, यही दुआ करता हूँ सर। हमारी कबीर साहब देखिए ऐसा है, आपके जैसे मित्र बहुत कम रहे हैं और आपके जैसे डिजिटल प्रधान हमें और पीछे बोलिए बोलिए पीछे देखिए नमाज भी पढ़ी जा रही है, कितना बढ़िया मौका है ये। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सुन पा रहे हैं नमाज? हाँ सर, हाँ सर, अजान दे रहे हैं सर मेरे घर के पास, अजान दे रहे हैं सर, अजान, बहुत बढ़िया। चलिए ओके सर, सब बढ़िया होगा। ओके सर, थैंक यू, खुदा ओके ओके खुदा हाफिज़।